इस नगर में और इसे चुनावी सभा में आज विशेष हम सबको यहाँ पर दर्शन के लिए मध्य प्रदेश के हमारे सुनाया हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय श्री राजकुमार चौहान जी, हमारे इस जिले के प्रभारी मंत्री जिनने अगेन कभी हमारे जी को यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के इस परिवार में शामिल कराने में अपने कार्य अपनी जैसे हमारे पटेल जी पहले ही बोला हमारे वित्त मंत्री आदरणीय जगदीश देवड़ा जी, हमारे यहाँ के विधायक जिनके पीछे लाखों ऐसे जो लोग हैं आज हमने सदस्यता ग्रहण किया भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल हुआ है। मैं परिवार के सदस्य होने के नाते उनको भी बहुत बधाई देता हूँ। ऐसे जी हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय उत्तम सिंह जी, हमारे सभी आपा मंच पर विराजमान सभी हमारे जनप्रतिनिधि नेता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता भाई और बहन और मेरे सामने से सभा में उपस्थित सभी नागरिक बंधुओं बहनों, वास्तव में ये जो लोकसभा चुनाव है और ये साधारण चुनाव और एक उपचुनाव है जैसे जिंदू भैया हमारे बीच में थे और मैं कई सभाओं में मैंने कहा कि ये लिखता इस लिखता को भरने के लिए हमारे यहाँ एक प्रकार की व्यवस्था है। यहाँ का विकास है सवाल है और मैं हर वर्षी से कहता हूँ मध्य प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज जी ने इस मध्य प्रदेश बढ़वा इस पूरे खंडवा लोकसभा और मध्य प्रदेश की जनता की चिंता उन्हें किया है। अगर एक एक योजना के बारे में बात करें और पिछले घटनाओं के बारे में बात करें, पिछले 15 महीने की सरकार कमलनाथ की सरकार के बारे में बात करें और इसके बाद पिछले 1 साल पहले जो भारतीय जनता पार्टी के सरकार वालों की बहुत मुख्यमंत्री आपको याद आया होगा कि 15 महीने में मध्य प्रदेश की जनता के लिए जो काम स्वराज जी ने प्रारंभ किया वो 15 महीने में समाप्त हो गई। आज फिर से उसकी शुरुआत हुई है और इसलिए भाई और बहनों आज ये जो समय है चुनाव का समय और इस चुनाव में अगर आप मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आप उसको आशीर्वाद देंगे और भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को इसलिए लोकसभा का चुनाव है और इसीलिए आज पूरे हिंदुस्तान को लेकर तो एक एक व्यक्ति की चिंता करने वाला भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी ने और चाहे वो किसान मजदूर का सवाल हो, मैं अनेक ऐसे आपके इस घर वाण जिले को गांव में आज जाना हुआ है पिछले 19 तारीख को भी नहीं बहुत सारे हमारे प्रधानमंत्री सड़क योजना की बात हुई, प्रधानमंत्री आवास योजना की बात हुई, हमारे स्वयं सहायता समूह में काम करने वाली महिलाओं की बात है और इससे बड़ा निर्णय की बात को उन्होंने मुझे कहा कि ये जो स्वामित्व योजना है ये स्वामित्व योजना के काम ही मेरे पास और इसलिए जितने भाई और बहन किसान यहाँ पर उपस्थित है ये अधिकार देने का काम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है और उसकी शुरुआत मध्य प्रदेश से जो निर्वाचन क्षेत्र और उस क्षेत्र से प्रारंभ हुआ आपने देखा होगा और इसलिए मैं आज से कहने के लिए आया कि अगर नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री है, देश के प्रधानमंत्री है, दुनिया के प्रधानमंत्री है, आज हिन्दुस्तान के लोगों की चिंता करने के लिए लोकसभा की जिम्मेदारी अगर किस
किसी ने दिया है भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। और इसलिए आपको मैं अपील करने के लिए आया इस चुनाव से कोई सरकार नरेंद्र मोदी सरकार को कोई अधिकार करने वाला नहीं है। परंतु मैं सम्मान के साथ कहना चाहता हूँ मैं चाहता भाई और बहनों ये अगर आपने एक एक अपना वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आपने दिया तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ ये संदेश नरेंद्र मोदी जी को जाएगा और जितने भी अधूरे सपने नंदू भैया के हैं उस काम का पूरा करने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। और इसलिए भाई और बहनों हम आप सबसे निवेदन करना चाहते हैं कि आज जिस परिस्थिति में हम खड़े हैं और इसलिए 30 तारीख के मतदान में भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आप कमर के बटन को दबा करके आप आशीर्वाद दीजिए। यही निवेदन करने के लिए हम आपके बीच में आए हम शिवराज जी को सुनेंगे। आप सब भाई और बहनों को मैं धन्यवाद और प्रणाम करने अपने संतों को मैं प्रणाम देता हूँ। भारत माता की जय।